हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, संडे मॉर्निंग को हमने अपने टेरेस गार्डन में काफ़ी सारे काम किए हैं जो कि आपके संग शेयर करेंगे। इन्हीं कामों में दोस्तों कुछ तो अपडेट भी है पीछे के वीडियोस का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हार्वेस्टिंग करी। एक्चुअली में ये हार्वेस्टिंग मेरी हो नहीं पा रही है। ये बीन्स हैं, लोबिया जिसको बोलते हैं, बोड़ा भी बोलते हैं, तो इसको जो था तोड़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि लगे ही लगे ये पक जा रही हैं, प्लांट में बीज बन रहे हैं इसी में। ये देखिए सूख सी भी गई है, तो मैंने सोचा जो भी है तोड़ लिया जाए। काफ़ी दो तीन दिन पहले तो सूखी हुई काफ़ी सारी हटाई थी, हैं कम लेकिन फिर ठीक है, हम मेरी छोटी फैमिली है तो चाउमीन वगैरह में डालने में तो काम चल ही जाएगा। ऊपर की तरफ बहुत लगी हुई हैं लेकिन वहाँ पर हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ वाली तो अक्सर सूख जा रही हैं। फिर भी काफ़ी कोशिश करी है तोड़ने की। दोस्तों, जब भी आप अपना कोई भी सब्जी लगाते हैं तो उसमें जो दालें हम लोग की होती हैं, जैसे कि आपकी ये जो दो दली वाली होती हैं, इनको लगाना ऑलवेज फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि इनके जो जो होते हैं रूट्स होते हैं उसमें जो है नाइट्रोजियस बैक्टीरिया रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, एटमॉस्फेयर से खींच करके नाइट्रोजन दूसरे प्लांट्स को देते हैं। जैसे ये हमारी जो है हल्दी के प्लांट्स लगे हैं, उसी में ये जो बीन्स हैं ये लगी हुई हैं, तो फ़ायदा देती हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं निकली हैं लेकिन हाँ, हमारे यहाँ चाउमीन तो बनी जाएगी, इतनी निकली हुई है तो जो भी मिल रही है ठीक है, खुशी है। इसके बाद दोबारा हम जो थे घर से मटर जो थी, हमारे घर में जो मटर आती है, हम लोग चाट आट बनाते हैं, सब्जी बनाती, वही मटर भीगी पड़ी थी, मैंने बाद में कपड़े में लपेट के रख दिया, तो इस तरीके से देखिए अंकुरण हो गया उसमें, इवन जो था उसमें पत्ती भी निकलने लग गई है। तो यहाँ पर देखिए ये पत्ती दिख रही छोटी सी ना, और ये रूट्स हैं ये, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ग्रो कर दिया जाए, और घर वाली ही मटर है, निकलनी होगी तो निकल ही आएगी। तो इसके लिए मैं कोई अलग सा कंटेनर नहीं ले रही हूँ, मेरी जो थी कद्दू की जहाँ बेल थी उसी में मैं किनारे किनारे लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो है रूट्स वाला हिस्सा मैंने नीचे की तरफ कर दिया है ये। अगर इसमें पत्ती भी आपकी निकल आ रही है तो पत्ती के हिस्से को ऊपर करिएगा तो वो निकल आएगी, ग्रो हो जाएगी। जो मटर लगाते हैं इसके लिए पानी की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन चूंकि हमारा ये ग्रो बैग काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो पानी का मतलब ये है कि मटर को ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखिए इसमें पत्ती भी निकली है मेरे, ये देख रहे हैं पत्ती भी निकली है, तो बस मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ यहाँ पर। तो ऊपर जो है ये जो वेस्ट है यही आ गया है, तो ऐसे ही मैंने जो है काफ़ी सारी मटर अपने अलग अलग उसमें लगा दी हैं, लौकी में भी लगा दिए हैं, हल्दी में भी लगा दिया है और इसमें भी लगा दिया है। एक प्लांट कम होगा दूसरा निकलेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे जो कीड़े रहते हैं इनके बारे में, जैसे मल्चिंग करते हैं ना, देखिए कीड़े खूब रहते हैं, तो इन कीड़ों से घबराया मत करिए, ये कोई भी नुकसान नहीं करते हैं। ये जो हम लोग सूखी पत्तियाँ वगैरह डालते हैं इनको खा करके ये डिकम्पोज करते हैं, ये भी तो पूप करते हैं ना, और वो पूप जो है हमारी मिट्टी के लिए अच्छी रहती है, हमारे प्लांट के लिए अच्छी रहती है। तो इस तरीके के कीड़े कोई घबराने की बात नहीं है, ये सब नॉर्मल हैं और हार्मलेस हैं ये सब, तो आप परेशान बिल्कुल मत होना। तो यहीं पर देखिए हम मटर बो रहे हैं, अपडेट आपको जल्दी ही इसका देंगे। चलिए अब अपना हम एयर लेयरिंग का भी रिज़ल्ट आपको दिखा ही दें। मेरे किसी व्यूअर फ्रेंड ने डिमांड करी थी कि क्या उसका रहा है, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी दिन से रेडी हो गई थी। एक्चुअली ये ऊपर से यहाँ से रूट्स देखते हैं ना तो ये दिखाई देती हैं, तो समझ में तो आ गया था कि रूट्स ग्रो हो गई हैं, लेकिन काटने का ध्यान नहीं रहा था कि इसको मदर प्लांट से अलग कर दें। तो आज जो है इसको भी निकाल करके इसकी भी रिपोर्टिंग कर देते हैं। मेरा ये जो मदर प्लांट है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, धीरे धीरे ये ख़राब हो रहा है, नीचे से हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसके काफ़ी सारी निशानियाँ बना लेते हैं, डॉटर प्लांट्स बना लेते हैं इसके, तो ये सारे निकाल लिए हैं हम, निकाल ले रहे हैं, और भी मैंने बहुत सारे इसके कर लिए हैं। तो अब ये है कि नीचे वाला हिस्सा जो उसका रह गया है उसको बड़े वाले ग्रो बैग से निकाल करके उसका बॉन्साई डेवलप करेंगे, इन सबको भी देखेंगे क्या करना है। फिलहाल तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी इनकी, तो ये देखिए इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो था ये जो एयर लेयरिंग करना बताया था, बहुत ही आसान तरीका बताया था इसको ग्रो करने का, और कुछ भी ऐसा आइटम नहीं था जो आपके पास अवेलेबल ना हो, सब आइटम जो थे बिल्कुल घर के किचन के जो चाकू होते हैं, पॉलीथिन्स होती हैं, इन्हीं सब से बताया था करना।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हो। अभी दोस्तों अक्टूबर है तो अभी भी आप एयर लेयरिंग कर सकते हो। हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले इजी प्लांट से करना शुरू करिएगा। देखिए एयर लेयरिंग करने से कोई नुकसान नहीं होता है, प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। ये देखिए कितनी बढ़िया आपको रूट्स इसमें मिल गई ना, ग्रो हो रही थी रूट्स ऐसे, ये देखिए। तो मतलब कोई नुकसान प्लांट को नहीं होता है। आप देखो अगर रूट डेवलप हो गई है तो आप उसको कट कर लीजिए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है, इससे कोई भी प्लांट जो है 100% अधिकतर सक्सेस मिल जाता है। तो ये देखिए मेरी ये भी रेडी हो गई है, सिंपल तागा वगैरह लगा करके मैंने करा था। तो अब मुझे तो याद नहीं मैंने वो वीडियो कब डाला था, जो भी होगा मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, हर कोई कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्लांट्स खूब ही आसानी से तैयार हो गए हैं, ये देखिए इसका भी, इसमें भी रूट्स देखिए अच्छे से आ गई हैं ये। तो अब इनको जो है मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। और जो मिट्टी है ये बिल्कुल साधारण है, कुछ भी मैंने अलग नहीं बनाया है, क्योंकि दोस्तों अभी जो है मेरे पास थोड़ा सा हम ज़्यादा बिजी हैं, इस चक्कर में मैं कर नहीं पा रही हूँ। प्रॉपर मिट्टी वगैरह बाद में बना करके इसको रिपोर्ट करेंगे, अभी मैं ऐसी बस वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर फ्रेंड ने डिमांड करी थी उसकी रिपोर्टिंग वगैरह की। तो देखिए रिपोर्टिंग के लिए कुछ भी अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी होती है, बस ऐसे ही आप उसको लगा दीजिए बड़े गमले में। और ये है कि आप पानी आनी दीजिए इसको, ज़रूरी नहीं कि शेड में रखना है, क्योंकि रूट्स तो हम लोगों ने डिस्टर्ब ही नहीं करी ना। अगर आप फिर भी रखना चाहते हो तो प्रिकॉशन के रूप में थोड़ा सा शेड में 2-4 दिन रख लीजिए, लेकिन हाँ बस ओवर वाटरिंग मत करिएगा, क्योंकि हम लोग के प्लांट्स जो होते हैं ना अधिकतर ओवर वाटरिंग से दोस्तों ख़राब हो जाते हैं। तो देखिएगा जब मिट्टी आपको ड्राई सी सूखी सूखी सी लगने लग जाए तभी पानी डालिएगा। तो ये वाला भी मेरा तैयार हो गया है। वैसे तो ये बड़ा डिसबैलेंसिंग वे में लग रहा है मुझे, क्योंकि ऊपर का फोलिएज बड़ा है, जो कंटेनर है ये मैंने काफ़ी छोटा लिया है। और मेरे दिमाग में भी है कि इसका मैं आगे चल करके बॉन्साई बनाऊंगी, ये तो उसको मैं थोड़ा सा काट दे रही हूँ ताकि इधर उधर लुढ़के ना ये, और बाद में दोस्तों ऊपर से भी इसको मैं काट दूंगी। तो ये तीन काम मैंने सुबह मॉर्निंग में 2 घंटे करा था दोस्तों। तो अब फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के संग, और जा रही हूँ अब चाउमीन बनाने के लिए। बाय बाय।